आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है, गटन एंड हॉल फिजियोलॉजी, द सेल एंड इट्स फंक्शन फिजियोलॉजी के फर्दर ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। सो चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास है गटन एंड हॉल फिजियोलॉजी का, उससे रिलेटेड 11 जो है वो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें डिटेल में आपको चैप्टर नंबर 2 की इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो कुछ भी गटन में जो है राइटर ने शो किया, उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी बेसिक्स हैं, ठीक है। इसका मकसद ये है कि एक्चुअली आप लोगों को जो सेल की बेसिक्स, ऑर्गेनेल्स हैं, उनके फंक्शंस, उनकी फिजियोलॉजी, उनके हर एक करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉइंट्स में आप लोगों को याद हों और आपके कॉन्सेप्ट सही से डेवलप हुए हों। सो इसके लिए गटन का ये चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली अगर आप लोग गटन के चैप्टर नंबर 3 की तरफ जाएंगे तो उससे पहले भी इस चैप्टर को रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस चैप्टर में जो भी डिटेल्स आपको पढ़ाई जाएंगी वो सब लिंक होगी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 से। सो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 के अब तक गटन एंड हॉल फिजियोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स हैं अपलोड हो चुके हैं, उन सबको व्यू करें, क्योंकि वो सारे ऑब्जेक्टिव्स, वो सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कम बैक टू द पॉइंट, चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 12, द सेल एंड इट्स फंक्शन फिजियोलॉजी में आज हम कवर करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, इसके अलावा आपके पास जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स, और जितने भी लेक्चर से पहले अपलोड हो चुके हैं हम सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। अब हमारा मेन फोकस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। सो वो सारे लेक्चर्स आप लोग जरूर सुने, नाइकोलॉजी, अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह के जो अपलोड हो चुके हैं 11 लेक्चर। एक्चुअली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर लेक्चर में हर ऑर्गेनेल को डिटेल में जो है वो डिस्कस किया गया। इस तरीके से आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर्स को, उसके एंजाइम्स वगैरह को, सबको डिटेल में करेंगे। सो आज के लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स एंड जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मीन्स के माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन गाइडेड में आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें गाइडेड ने जो है वो लिपिड्स बैरियर को थोड़ा सा डिस्कस किया है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसे डिस्कस किया है, एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया, एंड डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो डिस्कस किया है। सो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके बाद अगर इस लेक्चर को देखने के बाद आप गटन खोलेंगे और उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, सो आपको सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। आई नो वो पैराग्राफ इतना बड़ा तो नहीं है, मतलब वो 2-3 पैराग्राफ दिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर गटन में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया तो इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेशन जो होते हैं वो बायोकेमिस्ट्री से भी होते हैं, और इसके इतने सारे रिएक्शंस होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी एनर्जी प्रिपेयर होगी वो बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे रिएक्शन बायो के हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उन सवाल में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की क्रैब साइकिल होगी, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह, उन सब साइकिल्स के जो है बहुत सारी साइकिल्स ऐसी हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। सो आपको फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का डिटेल में याद होगा तो फिर आप बायोकेमिस्ट्री को इजीली कवर कर जाएंगे। सो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर गटन एंड हॉल फिजियोलॉजी से कवर करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का जिसमें एंजाइम, लिपिड बैरियर, मैट्रिक्स एंड डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास गटन एंड हॉल फिजियोलॉजी में जो माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक है उसके अंदर, क्योंकि आगे चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स से रिलेटेड, उसमें डीएनए को डिस्कस किया जाएगा। सो डीएनए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आगे चल के डिस्कस करते हैं। यह हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, बेसिकली सेल दिया हुआ है और सेल के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है उसको आपको यहाँ पे आके जो है वो शो किया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया नज़र किस तरीके से आता है या उसका स्ट्रक्चर कैसे। तो अब इस सारे स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, जो इन्फॉर्मेशन गटन ने हमें दी है मेन इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट रट लें, ये पॉइंट हर जगह आपको काम आएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो भी पावर होती है, जो भी एटीपी की फॉर्म में प्रिजर्व होती है, स्टोर होती है, वो ही सब रिएक्शंस के लिए यूज होती है, ठीक है। वो किस तरीके से यूज होती है वो मैं डिटेल आपको लेक्चर में पूरी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। सो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन ये है कि वे पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब किसी भी ऑर्गेनेल का जो पावर हाउस ऑफ द सेल है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो इसी
किसकी वजह से हो रहे हैं, इस अर्गनेन में जो एनर्जी स्टोर है उसकी वजह से हो रहा है. आगे चलते हैं, विदाउट देम सेल वुड बी अनएबल टू एक्सट्रैक्ट इनफ एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियली ऑल सेलुलर फंक्शन वुड चीज. अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये इंपॉर्टेंट है क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो भी क्योंकि पावर हाउस है तो सारी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है. अगर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो और तो हम हमारे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम लोग डाइट ले रहे हैं या हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें हैं जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनकी जो भी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाए. अगर कोई चीज़ स्टोर करने वाली ना हो और केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में होते रहें उनके बदले में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती रहे और आपके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया ना होता, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ना होता, तो वो एनर्जी कहाँ जाती? वो एनर्जी डेफिनेटली जो है वो एनर्जी जो है वेस्टलेस हो जाती. और वो एनर्जी जब वेस्ट होती तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता क्योंकि फिर हमारी बॉडी के जो भी फंक्शंस हैं वो अच्छे से परफॉर्म ना होते और बॉडी को बहुत सारे डिसऑर्डर्स फेस करने पड़ते क्योंकि लो एनर्जी हो जाती. तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया का द पावर हाउस ऑफ द सेल, विदाउट देम सेल वुड नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट इनफ एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स एंड एसेंशियली ऑल सेलुलर फंक्शन वुड चीज. मतलब अगर ये नहीं होगा तो इसकी वजह से अगर ना होता तो क्या होता, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें न्यूट्रिएंट्स से चाहिए वो हमें ना मिल पाती जिसकी वजह से सेलुलर जो फंक्शंस हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया आप देखें कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सारे जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली एनर्जी की वजह से होते हैं और वो एनर्जी कौन स्टोर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है. इसी वजह से इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं कि ये बेसिकली पावर हाउस है किसका, सो इसलिए ये पावर हाउस है सेल का. अब हम आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अदर ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो डिस्कस करते हैं. अब जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एक्चुअली ये एक पूरा पैराग्राफ्स की दो तीन पैराग्राफ हैं जो गाइटन में दिए गए हैं, लेकिन इनको हेडिंग वाइज बना के आपको नोट्स प्रोवाइड करने का मेन एम यही है कि आप लोगों को हर पॉइंट ईजिली याद हो और उसका लिंक आपको पता हो कि एक्चुअली गाइटन ने किस चीज़ की चीज़ को किस किस तरीके से डिस्क्राइब किया और उसका मकसद क्या है. सो जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन ऑल एरियाज ऑफ ईच सेल साइटोप्लाज्म, बट द टोटल नंबर पर सेल वेरीज फ्रॉम लेस देन 100 अप टू सेवरल थाउजेंड्स. सो गाइस एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिफरेंट मीन्स कि हमारे हर सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि सेल टू सेल लाइक लिवर सेल हो गए ब्लड सेल हो गए, अब वो लिवर सेल टू सेल वेरीज करता है. ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम लेस देन 100 अप टू द सेवरल थाउजेंड, मतलब 100 से कम से लेके ये थाउजेंड्स की रेंज तक होता है. ठीक है, मतलब हर सेल के लिहाज से, उसके फंक्शंस के लिहाज से, उसके प्रॉपर्टीज के लिहाज से इसकी क्वांटिटी जो है इसकी वो वेरीज करती है डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल. डिपेंड करता है कि उस सेल को कितनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो बेसिकली हमारे पास है ही पावर हाउस ऑफ द सेल, सो इसलिए ये उनकी सेल की एनर्जी पे डिपेंड करता है कि किस सेल के अंदर इसकी कितनी वैरायटी होगी. ठीक है, अब आगे चलते हैं. सो आप लोगों को ये पता चल गया, आगे चलते हैं. आगे है फर्दर द माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसंट्रेटेड इन दोज पोर्शन ऑफ द सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर शेयर ऑफ इट्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म. अच्छा, ये यहाँ पे ये बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की कंसंट्रेशन बेसिकली उन सेल के अंदर बहुत ज्यादा होगी जहां पे उसे मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी चाहिए होगी, लाइक अगर क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस. सो ये ऐसी साइकिल्स होती हैं जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी का बहुत ज्यादा यूज होता है. सो अब ऐसे सेल के एरियाज जहां पे ये साइकिल्स परफॉर्म हो रही होंगी, या फिर ऐसी सेल की जो पोर्शन जहां पे बेसिकली मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, सो वहां पे इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी. देयर आर ऑल्सो वेरिएबल इन साइज एंड शेप. अच्छा, सेल टू सेल इसके साइज में भी वेरिएबल्स होती हैं, वेरिएशन आती हैं, एंड किस में भी, टाइप्स में भी. ठीक है, साइज एंड शेप में भी. अब क्या, सम आर ओनली अ फ्यू हंड्रेड नैनोमीटर्स इन डायमीटर एंड ग्लोबुलर इन शेप, वेयर इज अदर आर एलोंगेटेड एज लार्ज एज 1 माइक्रोमीटर लॉन्ग, स्टिल अदर्स आर ब्रांचिंग एंड फिलामेंटेनियस. अब ये क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल टू सेल डिपेंड कर रहा था कि किस सेल में कितनी एनर्जी चाहिए, उसके लिहाज से उसका साइज और उसकी शेप होगी. अच्छा, उस तरीके से ही कहीं पे ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है, कहीं पे इसका शेप जो होगी वो ग्लोमुलर इन शेप होगी, तो कहीं पे ये फिलामेंटेनियस होगा. ठीक है, फिलामेंट्स की फॉर्म में होगा, फिलामेंट्स की फॉर्म में, या फिर कहीं पे इसकी रेंज नैनोमीटर्स में होगी, तो कहीं पे ये 1 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग होगा. सो ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की जनरल करेक्टरिस्टिक्स बताएं आप लोगों को कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के किस तरीके से और इनका मेन एम क्या है. सो
जनरल कनेक्टिंग स्टेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के मतलब डिफरेंट सेल्स के अंदर होता है डिफरेंट साइटोप्लाज्म में, और वो वेरी करता है शेप में भी साइज में भी, ठीक है, ये हंड्रेड से लेके थाउजेंड्स में भी इसकी रेंज होती है। देन एनर्जी की रिक्वायरमेंट पे भी किस सेल को कितनी एनर्जी चाहिए। अच्छा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया कंसेंट्रेशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली वहां पे बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड होता है जहां पे रिएक्शंस बहुत ज्यादा हो, मेटाबॉलिज्म का फंक्शन बहुत ज्यादा हो, ठीक है। अब ये शेप्स और साइज में भी वेरिएबल कर रहा है, कहीं पे ये नैनोमीटर्स में इसकी रेंज है तो कहीं पे इसकी किसमें रेंज है, ये हमारे पास रेंज है माइक्रोमीटर्स में। तो ये सारी बातें एज इट इज गाइटन में एक्सप्लेन की गई हैं। इसके बाद अगर वीडियो के बाद गाइटन को रीड करते हो तो आई एम 100% श्योर आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक चीज सुनने के बाद आप उस चीज को बुक से रीड कर रहे हो, तो एज इट इज ये सारी चीजें हैं। बस यहाँ पे मैंने हेडिंग्स थोड़ी सी ऐड कर दी है, उसका रीजन ये है ताकि चीज आपको माइंड में हो, और अगर कोई एमसीक्यूज आता है या कोई सीक्वेंस क्वेश्चन आता है कहीं भी आता है तो आप इजीली उसको क्या कर सके, सॉल्व कर सके। सो ये हमारे पास क्या है, इसकी जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे जनरल करैक्टरिस्टिक्स जो है वो अब डिस्क्राइब हो गई। आगे चलते हैं हम लोग। बेसिकली गाइडिंग में ये डायग्राम शो की गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनर मेम्ब्रेन लेयर है इसकी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंजाइम्स इसके अंदर जो है वो शो किए हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद क्रस्ट शो किए हैं, उसके अलावा आउटर चैम्बर शो किए हैं, मैट्रिक्स शो किया। सो ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का जो गाइडन में डायग्राम्स आपको शो की गई है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से मेन पॉइंट गाइडन ने डिस्क्राइब किए हैं, डिटेल दी है जिनकी, वो अब मैं आगे डिस्कस करती हूँ। सो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज मेनली ऑफ टू लिपिड बायलेयर प्रोटीन्स मेम्ब्रेन एज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, मेन स्ट्रक्चर में इसका क्या पार्ट है कि बेसिकली हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो लिपिड बायलेयर्स है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है हमारे पास सेल का, ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में आता है, इसकी कैटेगराइज उसकी कैटेगरी में आता है। सो मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन का मतलब, मेम्ब्रेन बाउंडेड माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब ही यही है कि ऑर्गेनेल का मतलब यही है कि इसके ऊपर लिपिड बायलेयर होगी। अच्छा, इसके अलावा लिपिड बायलेयर का आप डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की डिफरेंस होती है, बट सेल मेम्ब्रेन का जो लेक्चर चैप्टर नंबर टू फिजियोलॉजी का मैं इस चैप्टर उस पे पेज पे अपलोड हो चुका है, उसको भी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेल मेम्ब्रेन। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लिपिड बाय लेयर से कवर होता है, ठीक है, इसके आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। मैनी इन फोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म शेल्व्स टू विच ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर अटैच, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स, इसमें ये क्या कह रहा है कि बहुत सारी इनफोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन की शेल्स की फॉर्म में जो हमें नजर आती है, जहां पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। सो दो मेन पॉइंट्स है, एक मेन पॉइंट क्या है कि ये लिपिड बाय लेयर्स से बाउंडेड होती है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो कि उसके फिर वो उसकी इनर फोल्डिंग होती है और इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है शेल्स की तरह, वहां पे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। अगर यहां पे डायग्राम देखें तो आप लोगों को नजर आ रहा है आउटर मेम्ब्रेन एंड हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, दोनों आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसके अंदर फोल्ड्स हैं, इनर मेम्ब्रेन के बहुत सारे फोल्ड्स हैं जो कि शेल्फ्स की फॉर्म में है। अब वहां पे क्या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंजाइम्स जो डायग्राम में शो हो रहे हैं पिंकिश कलर के, सो ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंजाइम्स हैं जो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की और किसे एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे, एनर्जी को स्टोर करने में। सो आगे चलते हैं। सो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो गए डायग्राम से। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है। इन एडिशन द इनर कैविटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद अ मैट्रिक्स दैट कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिसॉल्व्ड एंजाइम्स दैट आर नेसेसरी फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ये कह रहा है इसके अलावा इनर कैविटी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो मैट्रिक्स से फिल हुई भी होती है, ठीक है, जहां पे लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व एंजाइम्स होते हैं जो कि एनर्जी को न्यूट्रिएंट्स में से एक्सट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। उन्हीं की वजह से न्यूट्रिएंट्स से जो है वो जो भी एनर्जी है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दीज एंजाइम्स ऑपरेट इन एसोसिएशन विद द ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स ऑन द शेल्फ्स टू कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स देयर बाय फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एट द सेम टाइम रिलीजिंग एनर्जी। बात सुने वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि मेनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाले एंजाइम्स तो थे हमारे पास, उसके अलावा जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके अंदर बहुत सारे डिसॉल्व एंजाइम्स होते हैं। अब उनका काम क्या होता है कि वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो शेल्स के अंदर थे उनके साथ मिलके ऑक्सीडेशन करवाते हैं उन सब्सटेंसेस की जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे पास बेसिकली, और उनमें से क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करते हैं और उसी टाइम पे एनर्जी को रिलीज करवाते हैं। मतलब ये यहाँ पे ये बात कर रहा है कि यहाँ पे देखें पिंकिश कलर के ऑक्सीडेटिव
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इंजाइम स्टेट, ठीक है। ये एंजाइम्स और मैट्रिक्स के अंदर कुछ डिसॉल्व्ड एंजाइम्स होंगे, ये दोनों एंजाइम्स आपस में मिलके क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम लोग डाइट लेते हैं उसमें जो भी न्यूट्रिशंस हमें मिलती हैं बॉडी को, उन सब का ऑक्सीडेटिव प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीडेटिव केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसके उनकी ऑक्सीडेशन करने के नतीजे में, उनके रिजल्ट्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। सो ये सारा काम कौन कर रहे हैं, ये एंजाइम्स मिलके कर रहे हैं। ये डायग्राम देखें, जैसे ये डायग्राम शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारी साइकिल्स हो रही हैं। इसी तरीके से ही रिएक्शन सेल के अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, जो कि उन सब्सटेंसेस की, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड्स आए हैं, ठीक है, उनके नतीजे में क्या, उनका ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हुआ है, उनके नतीजे में हमारे पास वाटर मिली है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है और एटीपी मिली है। सो इसी तरीके से रिएक्शंस ये सारे वो एंजाइम्स करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम एडिशनल है बट यहाँ पे इसलिए शो की है ताकि आप लोगों को समझ आए कि माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर कैसे होती है, एनर्जी बनती कैसे है, इसे पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा क्यों जाता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली एंजाइम्स हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंजाइम्स हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इसके मैट्रिक्स में डिसॉल्व होते हैं, वो ये सारा फंक्शन करवाते हैं, और इस फंक्शन के नतीजे में हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन में यूज होती है, और हमारी बॉडी की जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्या करती है, फुलफिल करती है। इस डायग्राम में भी ये रिएक्शन जो है वो आप लोगों को इजीली समझ आ गए किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है और एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है। आगे चलते हैं। द लिबरेटेड एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज अ हाई एनर्जी सब्सटेंस कॉल्ड द एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी इज देन ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट डिफ्यूजेस थ्रू द सेल टू रिलीज इट्स ओन एनर्जी whenever it is needed for performing cellular function. अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है कि जो भी एनर्जी हमें लिबरेट होगी, ठीक है, जो भी सिंथेसिस हो रही है इन रिएक्शंस के जरिए, वो एक लार्ज हाई एनर्जी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है वो हमेशा एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है, एटीपी की फॉर्म में होती है। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होगा। अब वो एटीपी किस तरीके से हुआ कि हमारे पास जो भी एनर्जी लिबरेटेड हुई इन रिएक्शंस के जरिए वो एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो गई। अब ये एटीपी जो यहाँ पे स्टोर हुई है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाएगी, ठीक है, किस तरीके से जाएगी, डिफ्यूज थ्रू आउट द सेल टू रिलीज इट्स ओन एनर्जी व्हेनेवर इट इज नीडेड फॉर द परफॉर्मिंग सेल। अब अगर सेल को कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो वो इस माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होगी, डिफ्यूज होगी और सेल के जो भी रिएक्शंस, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेगी जब हमें इस एनर्जी की जो है जरूरत होगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये हम लोगों ने क्या कर दिया, आप लोगों को ये चीज यहाँ पे बता दी। अब हम लोग आगे चलते हैं। एनर्जी के कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, एटीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किस तरीके से इसके एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज है वो भी। अब हम चलते हैं डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक है, which means that one mitochondria can perform a second one, a third one and so on whenever there is need in the cell for increased amount of ATP. अच्छा, self replication का जो process है mitochondria के अंदर वो होता है, मतलब अपने cell से generate करवाना, जिस वक्त जितने mitochondria की cell को जरूरत होगी वो उतने mitochondria को replicate करवाएगा, self replication करवाएगा, ताकि cell को जिन तमाम चीजों की जरूरत है वो सारी requirements पूरी कर सके। Indeed the mitochondria contain DNA similar to that found in the cell nucleus, और mitochondria का अपना जो है वो cell membrane, मतलब अपना जो है वो हमारे पास क्या होता है, mitochondria का अपना DNA होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या करवाता है, बेसिकली जो उसके सेल में जब भी माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है तो फिर उसकी सेल्फ रिप्लिकेशन करवाता है, कौन करवाता है, डीएनए, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद होगा, सिंपली आपने इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ा होगा कि डीएनए एक ऐसा ऑर्गेनेल है जिसका अपना माइटोकॉन्ड्रिया कैसा अपने ऑर्गेनेल है जिसका अपना डीएनए होता है और उसकी अपनी सेल्फ रेप्लिकेटिंग उसकी प्रोसेस होता है, जिसकी सेल्फ रेप्लिकेशन की वजह से हमारे पास क्या बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद बनते हैं। अब क्या है, एज वी नो दैट डीएनए इज द बेसिक केमिकल ऑफ द न्यूक्लियस दैट कंट्रोल रेप्लिकेशन ऑफ द सेल, द डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज अ सिमिलर रोल कंट्रोलिंग रेप्लिकेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है, डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है, कि डीएनए के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल को रेप्लिकेट करवाता है और उसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है,
और ये रेप्लिकेशन ऑफ द सेल को कंट्रोल करता है. सो डीएनए जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस करवाता है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ही डीएनए है, तो उस डीएनए की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया के पास सेल्फ रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है. सो मतलब यहाँ पे क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रियाज आर सेल्फ रेप्लिकेटेड, या फिर उनके पास आर सेल्फ रेप्लिकेशंस, विच मींस दैट वन माइटोकॉन्ड्रिया कैन फॉर्म अ सेकंड वन, थर्ड वन एंड सो ऑन व्हेनेवर देयर इज नीड एंड सेल्फ इंक्रीज अमाउंट ऑफ एटीपी. इंडीड द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए सिमिलर टू दैट फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस. ठीक है, मतलब जो सेल न्यूक्लियस में जैसे डीएनए होता है, वो डीएनए इसके पास भी होता है. सो एज वी नो दैट डीएनए इज द बेसिक केमिकल ऑफ द न्यूक्लियस दैट कंट्रोल, जिस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर डीएनए एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है जो कि उसकी सेल्फ रेप्लिकेशन करवाता है. अब ये सारी चीजें डिस्कस हो गई. सो अब ये मैं बताती हूँ कि यूजेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी यूज कैसे होती है. अब माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई, ठीक है, अब सेल को जब भी एनर्जी की जरूरत होगी तो वो एटीपी से एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर जितनी भी उसे एनर्जी चाहिए, फिर वो चाहे मसल्स कंट्रक्शन के लिए हो या एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए हो, जिस तरीके में भी सेल को वो एनर्जी चाहिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है और माइटोकॉन्ड्रिया सेल को वो उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है. सो ये आज का लेक्चर था जो टोटली माइटोकॉन्ड्रिया में था. अब आप जाके इसको चैप्टर नंबर 2 गार्डन एंड हाउस फिजियोलॉजी से रीड करेंगे तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया एग्जैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा. सो आज के ऑब्जेक्टिव्स को अगर एक बार बता दूं, कौन कौन से थे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो माइटोकॉन्ड्रिया हमने डिस्कस किए, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में लिपिड बायलेयर मैट्रिक्स एंजाइमेटिक माइटोकॉन्ड्रिया एंड डीएनए ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया. सो ये एक बार आप लोग अच्छे से देख लें, स्लाइड्स वगैरह देख लेंगे, उसके अलावा आप लोग जो है वो इसको इजीली अगर याद करेंगे, बुक से रीड करेंगे, तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये सारी चीजें जो है वो इजीली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी और आप लोगों को याद हो जाएंगे. सो गाइस, आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, आप लोगों के कमेंट्स के जरिए मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कौन कौन सी जो है वो आगे ऑब्जेक्टिव्स चाहिए और किस किस तरीके से आपको लेक्चर चाहिए. सो गाइस, इस तरीके से मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. आप लोगों की जो जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे थ्रू कमेंट्स बता सकते हैं, मैं उनकी रिप्लाई जरूर करती हूँ. सो गाइस, मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज. आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा और इस चैप्टर के जितने भी अब तक लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स कवर हो चुके हैं, लेक्चर्स पूरे अपलोड हो चुके हैं, वो सब आप देखें ताकि उससे आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट बने और गाइडेंस आप लोगों के लिए पढ़ना ईजी हो जाए. क्योंकि गाइडेंस सिर्फ अभी एमबीबीएस के लिए आप लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं है, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है. तो अगर अभी से आप लोगों के क्लियर कॉन्सेप्ट होंगे तो आई एम 100% श्योर आपके लिए कोई एग्जाम और कोई भी जो है क्यूरी नहीं रहेगी और कोई भी एग्जाम आप इजीली कवर कर सकते हैं. सो गाइस, टिल दैट अल्लाह हाफिज. मेरे चैनल को इसी तरीके से शेयर करें, जिस तरीके से आप कमेंट करते हैं इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें, लाइक कर दिया गया ताकि मुझे पता चले आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही है. सो गाइस, टिल दैट अल्लाह हाफिज.